हेलो फ्रेंड्स, आज रेजिन कास्टिंग रबर मोल्ड से ये मार्बल जैसा इफेक्ट कलर कैसा लेकर आए ये प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे कलर करने का भी ज़रूरी नहीं है, आपका प्रोडक्शन रेडी तो बहुत ही अच्छा यूनिक कलर टोन इफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए कैसे करें पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। आप मेरा वीडियोस को पसंद करते हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साइड में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। पिछले वीडियो में आप लोगों को ये दिखाया था, ये नॉर्मल रेजिन, कोई एपॉक्सी रेजिन यूज नहीं किया, सेमी ट्रांसपेरेंट ये इफेक्ट कैसे करते इसका प्रोसेस आप लोग प्लीज़ अपलोडेड वीडियोज़ में देख लीजिए। आज ये रॉ रेजिन यहाँ पे लिया, रॉ रेजिन का शायद कोबाल्ट मिलाया और ये है पिगमेंट, ये है व्हाइट पिगमेंट। इस टाइप का डिफरेंट अलग अलग कलर अवेलेबल है जो रेजिन में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिन कोबाल्ट और पिगमेंट मिला के इसको अच्छा से मिला लिया। देखिए आपको जो कलर चाहिए इस टाइप का कलर अवेलेबल है, जिस क्वांटिटी का देना है वो भी अवेलेबल है, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। ये रेजिन बेस्ड कलर है, ये रबर मोल्ड है। ये जो प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया अपलोडेड है, एक बार जाकर देख लीजिए। और ये हो गया पीओपी कवर मोल्ड। पूरा प्रोसेस अपलोडेड है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते पूरा प्रोसेस दिखाया। और ये जो गणेश का मैंने कास्टिंग करेंगे इसका भी कास्टिंग मेकिंग प्रोसेस मैंने दिखाया आप लोगों को। तो अब तो अब अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे टाइट होना चाहिए, हल्का सा लीकेज होगा तो आपका लिक्विड निकल सकते हैं, ज्यादा मोटा भी नहीं करना है। तो चलिए अभी हार्डनर मिला लिया और अच्छा से इसको मिक्स कीजिए। मतलब आपको जो कलर मिलाना है कोबाल्ट और ये कलर मिला के आप रेडी करके रखिए, जब यूज करना है तब आप हार्डनर मिला के यूज करें। यहाँ पे धीरे धीरे, मतलब ऐसे तो सॉलिड कास्टिंग करेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालेंगे तो क्या होता है, कहीं पे बबल्स रहने मतलब रह जाता है तो खराब होने का चांसेस है। तो इसीलिए आपको पहले हल्का हल्का करके डाल के एक बार थोड़ा बहुत घुमाना है ताकि अंदर जो डिटेलिंग काम है उस अंदर तक आपका ये रेजिन लिक्विड पहुंच जाए। और धीरे धीरे डाल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका हॉलो कास्टिंग कैसे करें उसका भी प्रोसेस दिखाऊंगा, अलग अलग डिफरेंट मतलब कलर कैसे करें, इफेक्ट कैसे लेकर आए वो भी दिखाऊंगा। और धीरे धीरे डालते जाइए और कुछ ऐसा सपोर्ट बना के उसके ऊपर रख दीजिए और इसको पूरा कवर कर दीजिए। देखिए और भी क्वांटिटी जरूरी है तो आपका पास रेडी है, उसी सेम कलर टोन यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। तो अभी वेट कर लीजिए, आपको जितना टाइम आप दे सकते उतना अच्छा है, क्योंकि हार्ड होगा तो अच्छा है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत जल्दी बाजी कर लिया मैंने,
तो देखता हूँ खोल के। कच्चा रहता है तो क्या होता है, कहीं पे टूटने का डर रहता है और कुछ नहीं, और हल्का हार्ड हो जाता है परफेक्ट तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। यह हल्का सा देखिए साइड में लीकेज है, तो चलिए संभाल के खोलिए। अभी भी थोड़ा कच्चा है, कच्चा मतलब धीरे धीरे टाइट होता है ना, एक लेदर टाइप का अभी भी है, तो आपको मैं बोलूँगा थोड़ा टाइम देकर ही खोलिए ताकि आपका काम अच्छा होगा। ऐसा देखिए लग रहा है हाथ टूट गया कोई बात नहीं, तो इसको चिपका सकते। देखिए कितना अच्छा कलर है, और डिटेलिंग भी देखिए कहीं पे मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और हल्का सा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट भी है। मतलब आपका पूरा के पूरा काम मतलब कंप्लीट है, आप सिर्फ साफ सुथरा करके रख दीजिए बस। मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर करने का कुछ जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में होलो कास्टिंग कैसे करें इसका प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो प्लीज़ मेरा पेज पर रहिए और देखते रहिए। मेरा आर्टिक चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और साइड में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए, और ऑल वीडियोज़ आप एंजॉय कीजिए मेरा चैनल पर। थैंक यू।